ये मिनी फॉगर मैं अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ। इसमें हमने ब्यूटेन लगाने के बाद यहाँ से इसकी नॉब हमने खोलनी है। आप नॉब खोलते ही आपको जो गैस की आवाज आने लग गई, ये इसका लाइटर बटन है। यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये लाइटर जल चुकी है जो इसकी गैस है। अब इसकी जैसे जैसे ये कॉइल हीटअप होगी, इसको कुछ सेकंड हमने छोड़ देना है कि कॉइल इसकी हीटअप हो जाए। जब इसकी कॉइल हीटअप हो जाएगी हम यहाँ से पंप करेंगे तो ये हमारे हाथ में ये जो ब्लू बटन आप देख रहे हो, जब हम इसको प्रेस करेंगे ये देखो ऐसे, तो ये आगे से धुआं बनाना स्टार्ट कर देगी। ये देखो दोस्तों, आप इससे कुछ ही समय में आप जितना इससे फॉगिंग करना चाहते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए इसको चलाना बहुत ही आसान है। ये जो ब्लू बटन है आपने इसको प्रेस करना है और ये फॉगिंग करता रहेगा। और जब आपने इसको बंद करना है, आपने जब ये मशीन फॉगिंग करने के बाद बंद करनी है, तो ये आपने नॉब जो है इसको यहां से टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद ये जो गैस का नॉब है इसको आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करके ये सिलेंडर यहां से हमने ऐसे रिमूव कर देना है। और अब हमने जो इसमें पानी डाला था वो पानी क्लीन आउट कैसे करना है ये आप देखिए। हमने नॉब चेंज कर दिया, अब ये पंप है हमारे हाथ में। ये हमने पंप करके इसके जो कॉइल है उसको ठंडा कर देना है। ये जो हमने इसमें पानी डाला है ये देखिए, इससे ये मशीन ठंडी हो जाएगी और जो इसकी कॉइल है वो एकदम साफ हो जाएगी। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप ये मशीन ऑपरेट करेंगे। ये जो हमारा बैकपैक मॉडल है, सबसे पहले पीछे कार्बोरेटर में हमने पेट्रोल डालने के बाद बबल प्रेस कर देना है। उसके बाद ये जो बटन है ये इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन है। हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग की आवाज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीन मॉडल्स हैं, तीनों में जो बेसिक फंक्शनिंग एक ही है लेकिन जो प्राइसिंग है वो अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा बेसिक मॉडल है जिसको मिनी फॉगर कहा जाता है, इसकी वर्किंग के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ, साथ ही प्राइसिंग भी बता देता हूँ आपको। जो ये मॉडल है मिनी फॉगर का, इसमें आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ ये सिलेंडर के कैन पड़े हुए हैं जिनको ब्यूटेन गैस के सिलेंडर कहा जाता है। ये नॉर्मली जो लाइटर गैस है वहां पे भी इसका उपयोग होता है। फॉगिंग के लिए इसमें आपने ब्यूटेन का सिलेंडर लगाना है और साथ में डीजल डालना है। डीजल से जो ब्यूटेन है उसने इसकी कॉइल को हीटअप करना है, जलाना है। कॉइल हीटअप होगी और जो डीजल है वो जल के धुएं में कन्वर्ट होगा। और जो ये दो मॉडल्स आ जाते हैं इनमें ब्यूटेन का सिलेंडर नहीं लगेगा, इनमें पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कार्बोरेटर लगे हुए हैं। आपने इनमें पेट्रोल डालना है, पेट्रोल इनकी जो कॉइल है उसको हीटअप करेगा और फॉगिंग के लिए ये डीजल ही इसमें डालना है। इनमें स्टार्टिंग के ऑप्शन भी, जो ये दोनों मॉडल्स हैं, आप इसको सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं और मैनुअली स्टार्ट भी कर सकते हैं। और रही बात इनकी प्राइसिंग की, तो जो ये मिनी फॉगर है इसकी कीमत है 9,200 रुपया। सिर्फ 9,200 में हिंदुस्तान के हर एक कोने में आप ये मशीन हमसे मंगवा सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो साइड पैक थर्मल फॉगर है, साइड पैक इसलिए क्योंकि इसका जो पूरी मशीन है बेल्ट के सहारे हम साइड पे इसको लेके पकड़ सकते हैं, जीप या गाड़ी के पीछे रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बाइक के पीछे बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको साइड पैक कहा जाता है। साइड पैक मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल बॉडी है इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी बनी हुई है। जो ये साइड पैक मॉडल है इसमें सिंगल कार्बोरेटर लगा होता है। इसकी कीमत है 35,500 रुपये।
जो तीसरी मशीन है इसमें आप देख सकते हैं, इसको बैकपैक थर्मल फॉगर कहा जाता है। बैगेज दो टैंक है, अगर आपने फॉगिंग करनी है तो आप इसमें डीजल डाल सकते हैं, अगर आपने सैनिटाइजेशन करनी है तो पानी का उपयोग इसमें कर सकते हैं। और तो और ये मॉडल के साथ आप कई किस्म के जो आपके प्लांट्स है या आपकी नर्सरी है वहां पे आप फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी इससे कर सकते हैं। और जो ये हमारा थर्मल फॉगर बैकपैक मॉडल है इसकी कीमत है 32,500 रुपये।